फैल गया था हाँ बिल्कुल बिकॉज इट्स बिन आर लाइक न्यूज़ ही ऐसी डेवलप हो रही है पाकिस्तान में कि वी आर फोर्स टू टॉक अबाउट इंडियन प्रोपागेंडा इंडियन डिस वगैरह एंड एट दिस पॉइंट जो कल की एपिसोड अगर आप जाकर कमेंट्स देखें तो इट्स इंटायरली इट्स एट्टी परसेंट इंडियन कमेंट्स एंड एट्टी परसेंट हेट एक्जैक्टली सो एक किसी ने इवन अपार्ट फ्राम दैट समबडी हैड सेट कि वी डिलीट आर कॉमेंट्स एंड देन वी मेक अ वीडियो आस्किंग वाई इज़ देयर नो डिसकोर्स इन पाकिस्तान

कुडोज द गाइस फॉर गेटिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया मैं, मैं। पाकिस्तान चले, चले इंडिया में चले। <laughs>

एंड यूजली जो डेवलप जो इवेंट्स हो रहे हैं वो हम लोग करते रहते हैं डिस्कस सो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस में यू एन जी एज़ ऑन न्यूज़ दिस डेज तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस उसमें द ओनली डेवलपमेंट इज़ दैट टुडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विल स्पीक विल एड्रेस द यू जनरल मीटिंग तो उसकी हमें um, कल कल तो अब सैटरडे है बट उसका यू you नो know, रात शाम में ही टॉक बट उसके अलावा आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ अबाउट शाह महमूद क्रैशी जो फॉरन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है ही हैज़ हैजिन मीटिंग दू एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लंकन और उन्होंने जो कहा वो न्यूयॉर्क में ही मिल रहे अभी साइड लाइन्स बिकॉज जब इस तरह के यू होती है एस होते हैं तो साइड लाइन्स पे फॉरेन मिनिस्टर्स एंड एस आर मीटिंग डिफरेंट कंट्रीज़ काउंटर तो उसमें वो उनसे मिले हैं एंड ही टॉक्ट अबाउट कश्मीर ही टॉक्ट अबाउट अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट और उसमें एंथनी ब्लकिन का बहुत पॉजिटिव हमें रिस्पांस नज़र आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इन टर्म्स ऑफ तालिबान टेक ओवर एवैक्यूशन ह्यूमानिटेरियन असिस्टेंस में बहुत हेल्प की है एंड इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन इन लॉट ऑफ वेज उसमें उन्होंने इंडियन टेररिज्म इंडियन वॉरफेयर वगैरह के बारे में भी शाम उसे बात की एंड स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ इलीगली आक्यूपाइड कश्मीर तो दिस इज़ वन थिंग उसके अलावा भी इज़ बिन मीटिंग अदर कंट्रीज़ के देखी है जो डोनल्ड ट्रंप फाली मशहूर हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वारीफ करता तो हम लोगों ने उसमें भी ये बात डिस्कस की थी कि नाउ इट्स यू एस हैज़ दिस गिल्ट इज द राइट वर्ड बट हैव दिस शेम इन ऑन द बैक ऑफ दर हेड वट द डिट वग दुलट वॉज अ बैड डिसीजन इट वीक्यूटेड बैडली एंड हाउ द पुल आउट हैज़ डिस्टर्ब द रीजन आई डोंटर्ब इज द राइट वर्ड एज वेल बट इट इट हैज लाइक इफेक्टेड द रीजन एंड नाउ दे आर

यूनानिमसली थोड़ा सा एक अग्रीमेंट आ रही है फ्राम दिस रीजन कि हम अफग़ानिस्तान को यूँ लेके चलना चाहते हैं सो द यू एस इज़ एबल टू सी दैट कि अच्छा मे बी लाइक वी बेस्ड ऑन दीज कंडीशन जो पाकिस्तान ने रशिया ने चाइना ने और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ने रखी हैं तालिबान गवर्नमेंट तो उस में देडरस्टैंड के अचाप दिस इज द वे फॉरवर्ड उसके अलावा कुछ है नहीं एंड बिकॉज देव ऑलरेडी हार्म जिस तरीके से पुल आउट हुआ था सो एक्टली वो चीज़ है बस अच्छा तो फिर अपने

इन दैट ही साइड के अगर फूड क्रॉप की प्रोडक्शन जिस रेट पे अभी है mm -hmm. um, अगर वो उसी तरह चलती रही और पॉपुलेशन इंक्रीज जिस रेट पर एक्सप्लोजन हो रही है अगर वो भी उसी रेट पर चलती रही mm -hmm. तो पाक, पाकिस्तान कैन है टाइम इन विच वी विल है न्यूज़ एंड दिस इज आज फ्राइडे कल की न्यूज़ है बट द प्रॉब्लम इज दैट लार्ज लाइक ये प्रॉब्लम जो है ना फूड सप्लाई से भी रिलेटेड है पॉपुलेशन कंट्रोल से भी रिलेटेड है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भीटेडेड दिस अ मेजर ह्यूज प्रॉब्लम ये लाइक जैसे आपने कुछ पाकिस्तान में कभी सुना हो क्या पानी कमी हो रही है ना हम लोग सुनते हैं पानी कमी दिस इज हूज स्ट्रॉन्ग दट कमिंग दिस इज अदर स्ट्रॉन्ग दैट्स कमिंग टू पास्तान एंड वी हैव टू लोकेट एज अ स्ट्रॉन्ग दैट्स कमिंग टू पाकिस्तान एक मसला है जो हमारे ऊपर अभी नहीं है हमें फ़ील नहीं होगा लेकिन आगे उन्हें सालों में फील हो सकता है mm. और इसका जो सबसे अच्छा लेंस है वो जो मैंने इसमें देखा है, वो है कि वो ये कि पाकिस्तान की जो एवरेज एज है इट्स ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ईयर्स राइट तो इससे हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान इज़ अ फेयरली यंग कंट्री यंग इन टर्म्स ऑफ पीपल वेरी यंग पीपल एंड हमारी पॉपुलेशन जो है वो पिछले कई सालों में काफ़ी रैपिड रही है जिसकी वजह से अब वी नाव हैव यंग पीपल अलॉट ऑफ कंट्रीज इन दर्ल्ड ऑन दी अदरेंट इज टू दिस इज डेट उनकी एवरेज एज इतनी ज्यादा हो चुकी है एंड दे लैक सो मैनी यंग पीपल अब वो अपनी उनकी एक्सपेंशन का ना तरीका डिफरेंट हो गया वो क्या कर रहे हैं कि वो अपनी एक्सपेंशन डेवलपिंग कंट्रीज में कर रहे हैं जहाँ पर एवरेज एज कम है जैसे ओल्ड oh. तो, hmm. hmm. तो मतलब उस तक लोग बूढ़े हैं बुड़े ही बुड़े। और वहाँ पर यह है कि फिर इसमें एक ये पार्ट भी ये प्ले करता है कि उनकी उन्होंने वो दे 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 हैव सच सच अ आर आर डेवलप्ड कंट्री आई थिंक मरियम विल बी एबल टू एक्सप्लेन दैट बेटर कि दे हैव इंक्रीज देयर दे हैव इम्प्रूव देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी सो मच इनका हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा है तो पीपल आर एबल टू लिव लॉन्गर एंड विद देयर देयर विन विन इन विदर लास्ट एज ऑफ देयर लाइफ दे आर स्टिल अलाइव वो फिर भी हेल्दी हैं

एवरेज एज में जस्ट अब इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं बट जिस कॉन्टेक्स में हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसमें एवरेज ऐज हैज़ गॉट टू डू ऑल्सो विद द पॉपुलेशन इंक्रीज़ कि अगर आपकी पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है तो एक डेमोग्राफिक में ब्रैकेट है विच इज़ द यूथ और वो इसमें फॉलो करें इस वजह से ये एवरेज एज है एंड दें द अदर फैक्टर फॉर एवरेज एज इज़ ऑल्सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि मोरटेलिटी रेट्स इंफेंट मोर्टेलिटी रेट डेथ रेट्सो कितनी आपकी लंबी जिंदगी होती है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज डिपेंडेंट ऑन थिंग लाइक हेल्थ केयर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्ड ऑफ दिस थिंग टूगेदर पाकिस्तान विद डेट पॉपुलेशन इंक्रीज एंड विद

चाइना uh, अफ्रीका uh, वाली तो उसमें वो लेंस वो यही है ना कि दिस इज द सेम प्रॉब्लम दैट चाइना इज़ फेसिंग चाइना को ये प्रॉब्लम हो रही है कि चाइना इज हंग्री फॉर यंग फेसेस हंग्री फॉर यंग लेबर नॉट जस्ट दे लेबर वो वाला लेबर जो ज़्यादा कम टाइम में मतलब वो वो काम ना कर सके इंटेलिजेंट वर्क दे हैव पीपल टू डू इंटेलिजेंट वर्क दे वांट यंग स्ट्रॉन्ग पीपल हु कैन डू द वर्क हार्ड हार्ड वर्क तो उसके लिए चाइना इज डूइंग सो मच ऑफ एक्सपेंशन इन अफ्रीका सो मच ऑफ एक्सपेंशन इन बहुत चीज की डेवलपिंग कंट्रीज और उनका मेरली रीज़न यही होता है कि वो दे एक्सपोर्ट और इट हैज़ बीन अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल अगर आपने कभी अपनी भी बचपन में सारा देखा हो हमेशा यहाँ से देखने के यार मजदूर यहाँ से जाता है गल्फ गल्फ में हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही हमारा मजदूर है बिल्कुल तो वो ये इसकी भी वजह यही है कि गल्फ में जो है दे वांट दीज यंग फेसेस तो अगर इसमें देखा जाए इट्स इट्स अ अ इट्स लूज विन सिचुएन सेंस कि अगर देर इज अ लूज देर इज आलो अ विन और व्हाट डू यू थिंक मरियम के डोंट यू थिंक दिस इज अ विन कि हमारे पास बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है एंड वी कैन यूटिलाइज इट इट इज़ बट अगर उसमें ब्रेन ड्रेन होने लगे दैन इट्स लूज ना बिकॉज आपकी आपके पास एक यूथ है जिससे आप एज अ डेवलपिंग कंट्री बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो एंड वी हैव दैट एडवाटेज ओवर अदर कंट्रीज़ इन द वेस्ट एंड इवन डेवलप्ड कंट्रीज लेकिन अगर वो ब्रेन ड्रेन होने लगे अगर उनके पास रिसोसेज ना हों तो फिर इट डिफीट्स द पर्पज़ फॉर एग्जाम्पल इवन जो इन द कॉन्टेक्सट ऑफ दिस न्यूज़ ये किसान प्रोग्राम के हिसाब से जो तो किसान कार्ड है प्राइम mm. मिनिस्टर uh, का विच इज़ के अप टू फोर टू फाइव मिलियन फार्मर्स इन पाकिस्तान विल भी गिवन उनके लिए एक तरीका बनाया है जिसमें उनको किसान कार्ड मिलता है जिनके थ्रू उनको सब्सिडीज़ मिलती हैं ऑन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सीड्स उनको मशीनरी um, um, मिलती है विच इज़ लाइक ट्रैक्टर्स दिस एंड दैट टेक्नोलॉजी वाइज तो

जॉब्स करें सो बी इट लाइक कमिंग और लाइक थिंग्स लाइक दिस तो फिर सैनिटेशन वगैरह के वर्कर्स अगर वह बन जाते एंड जिस तरह का फिर द लाइफ mm -hmm. दे लिव दैन इट इज़ सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ब्रीन ड्रीन इन एनी वे मतलब अगर आपके मुल्क में एक वो है तो यू शुड हैव सिस्टम्स विद इन यूर कंट्री स्पेशली वन यू नीड दैम तो वो तो या तो एक बात हो कि यू आर डेवलपड एंड नाव यू हैव दिस पीपल एंड दे केन गो एंड दे के यू नो एंड देन कम बैक वो बट वी नीड थर्टी मिलियन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो सेंस में अगर आप देखें तो जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर जाकर रेमिटेंस वापिस भेज रहे है तो इट्स इन अ वे इट इज एन एक्सपोर्ट तो आई थिंक पाकिस्तान में राइट नाउ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज ब्रेनिस्ट बट नॉट एट एंड आई थिंको क्योंकि अगर हो रहा है एक एक, तो इट मेक सेंस पर्सनली कि वाई समबडी वुड वांट टू लीव hmm. द कंट्री ठीक है okay. तो एक तो वो चीज़ है एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ उसमें फिर मिडिल वही तरीका है कि आप उनके वो रेमिटेंसेस वाली जो चीज़ें हैं hmm. उसमें भी दिस इन दिज रिसेंट मंथ्स वी हैव सीन के देर इज़ मोर वर्क के वो रेमिटेंस में इलेक्ट्रॉनिक करें ये करें hmm. वो करें देर इज ग्रेटर इंसेंटिव फॉर पाकिस्तान इज़ लिविंग ओवरसीज इस तरह की चीज़ें तो इफ दैट मैकेनिज्म बिगिन्स टू फ्लो तो फिर इट वर्क बिकॉज अभी के लिए इट इज इट इज अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी सो अगर लोग जाना चाहते हैं टू सस्टेन दैम सेल्स इन देयर फैमिलीज तो देन इट यू कान स्टॉप देम बिकॉज ऑल्टरनेटिव क्या है एंड बट देन उसका आप दूसरी तरीके से ये कर लो सो आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर पॉइंट आई एग्री

जब ये जब यहाँ पर लोग काम करना स्टार्ट कर लेते हैं ना जिस तरह के मैं हूँ आप हैं आपका आप तो आप मतलब मेरे पास यूनिवर्सिटी वाला एक्सपोयर नहीं है आप लोगों के पास है तो आप लोगों का मुझे नहीं पता हैदर का क्योंकि इस दरियान में ड्रॉप ऑफ कर लिया था ड्रॉप आउट कर लिया था सॉरी ड्रॉप टॉप तो क्योंकि लोग पढ़े लिखे भी नहीं हमारे छः परसेंट लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं तो जो जिनके पास यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है ठीक है और और लोग उस उस जो वो जो लेवल है उससे इतना नीचे हैं जो सस्टेनेबल लेवल शायद कह सकते हैं उसको जो भी कहते हैं आई डोंट नो उससे इतना नीचे हैं कि एजुकेशन ही नहीं है उनके पास अब हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि यार पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कमाना मुश्किल है जब हम हम लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं लग रहा हम लोगों के पास स्किल है हमने स्किल सीखी हम काम कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन उन उन लोगों के पास एक्सपोजर ही नहीं है नहीं। कि वो कर सकें फिर वो जब बड़े होते हैं तो कहीं से ज़मीनें होती हैं अगर फॉर एग्जाम्पल उन लोगों की वो बेच के बाहर चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से शायद की भी कमी है कि जब एक्सपोयर नहीं है लोगों के पास आई एग्री विद यू हंड्रेड परसेंट हम मैंने हमेशा हमेशा ग्रोइंग अप मैंने एक जुमला सुना कि यार बहुत बेरोजगारी है पाकिस्तान में बहुत बेरोजगारी है बहुत बेरोजगारी है मैं बेरोजगार हूँ मुझे जॉब नहीं मिल रही जो और जब मैं मैंने एक बात पकड़ा और मैं जब मार्केट में निकला तो मुझे ऐसा ऐसा दिखने को लगा कि यार मुझे पाँच पाँच जगह से लोग मुझे बुला छः जगह से लोग मुझे बुला तब मुझे ये रिलाइज हुआ कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयबल पीपल बहुत ज़्यादा हैं अच्छा दिस कैन बी

उन्होंने एक बड़ी फर्म में अप्लाई किया उन्होंने उन्होंने देर वर, देर वेरी वर काइंड के कॉपरेट फर्म ने उनको बोला कि यार आपका काम अच्छा है लेकिन आपका काम द, मतलब एडवाइस दी कि आपका काम डायरेक्टर टाइप का है ज़्यादा है तो आप ना डी वाला काम इतना खास अभी आपको नहीं आता है लेकिन आप ये कि आप डायरेक्शन को भी इंप्रूव करें और डी वाली चीज़ को भी इम्प्रूव करें डी होता है डायरेक्टर फोटोग्राफी जो जो कैमरा हैंडल करता है तो आप इस पर काम करें अभी हम लोग क्योंकि हम लोग बनाते हैं बड़ी बड़ी टी वी तो उसके अंदर आप मतलब आपकी अभी वो आ, शायद लेवल नहीं है कि आप टी में काम करें लेकिन आप काम कर सकती हैं आप काम करें उसके बाद फिर अप्लाई कीजिएगा तो वो उस बंदे को ना वो बात थोड़ी बुरी लगी कि यार ये क्या बात है कि मुझे उन्होंने मौका ही नहीं दिया तो मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि जब पैसा इन्वॉल्व होता है ना चीज़ में टी वी वाले आपको इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं mm. तो वो नहीं चाहते यार मैं एक कंपनी हूँ मुझे किसी ने टी ने पैसा दिया है कि यार आप एक टी वी बना दो ठीक है टी में मैं भी इतना पैसा लगा रहा ना मुझे बहुत पैसा मिल रहा है मैं एक ऐसे बंदे को ले आऊँ जो कि मेरा वो काम ख़राब कर दे और उसकी भी मुझे कॉस्ट आएगी ना जब काम खराब होगा तो मैं चांस नहीं लेना चाहती ये दिया हाँ दिया। तो ये चीज़ मैंने उसको चीज़ समझाई फिर अब क्या पता उसको समझाई या नहीं लेकिन ऐसे बहुत से लोग मुझे मिले जो कहते हैं यार अपॉर्चुनिटी नहीं है हमने यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी हमने पढ़ ली है और हम लोगों ने वो नहीं करना हम लोगों को जॉब नहीं मिलना मेरे ख्याल में जनरली ये जो अब आप लोगों का बहुत एक पर्सनल तरीके से आपने बताया कि यू हर्ट स्टेप इन टू द मार्केट एंड सब कुछ बट अगर आप जनरली अनएम्प्लॉयमेंट को समझना चाहें इन ए सोसाइटी इन ए सिटी प्रोविंस और कंट्री तो दिस ट्रोप ऑफ कि ये है और ये इज़ अ वे टू जस्ट ब्लेम द पुअर पीपल फॉर पावर्टी देट इस नॉट हाउ एनी सोलूशन विल एवर बी रीच टू मैं जो बात करूँ वैसे वो उनकी नहीं है हमें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की छः परसेंट है पाकिस्तान में

अलॉट ऑफ न्यू सेक्टर्स डेवलपिंग एक अंडरस्टैंडिंग होने लगी लग है कि मे बी डिग्री कहीं कहीं बहुत कम जगहों पर कि मे बी डिग्रीज़ नॉट एवरीथिंग पीपल कैन लर्न स्किल्स अलग से ये तो पीपल उस में भी दे ऑलवेज आर एट अ बैक फुट बट दे मेक मोर एफर्ट एंड दे आर एबल टू प्रूव देम सेल्व बट देन देर आर पीपल जिनके पास वो भी नहीं है सो so, एक यू you नो know, जिस तरह एक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट mm. होता है एक मिनिमम उसका कॉन्सेप्ट होता है उसके जो बहुत ज़्यादा लोग नीचे एंड देट इज वेयर द मेन अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट एक्जैक्टली जो ग्रेजुएट होके अनएम्प्लॉयड है ना दे केन डू फ्रीनांसिंग इधर उधर दे डोंट नेसेसरली कम इन द अनएम्प्लॉयड उस तरह बिकॉज दे केन स्टिल डू समिंग और दी अदर मे बी यू कैन से पे वाइज डिफरेंस होगा दे केन गो फॉर समथिंग विच इज़ हायर बट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग थिंग सर्टन वे नहीं होगा बट

surrounding me like when i growing up i have mm -hmm. been i have been a part of a very huge family my my father has a lot of siblings my mother has a lot of siblings so it has been a huge family around me and a lot of, a lot of everyone around me is not someone who is below the poverty line and there are a lot of people who could have graduated. your graduate mm -hmm. and even in this circle this set of 200 or 300 people i have noticed that the the, the rents of being an unemployed are were sky high all of them were graduates

हाँ uh, yeah. और फिर जो वो एक, जो आपने बात की कि जो हाँ उस लाइन से भी नीचे सरवाइव जो सर्वाइविंग लाइन से भी नीचे हैं उनके पास तो एक्सपोजर ही yeah. नहीं है तो फिर आ, मेरा सिर्फ ये था पॉइंट जब आपने बाहर hour. जाने की बात की थी कि वो जो लोग नीचे हैं ना वो वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन शायद वो गाँव गाँव में वो लोग रहते हैं

शुरू शुरू में क्या स्टोरी थी बट आई डोंट नो अब क्या मेरे घर में इस वक्त परिजात के ऊपर ना पूरा पैनल बैठ <laughs> तो तो पैनल डिस्कशन होती है उसमें काउंटर तो वो, <laughs> वो, वो क्या कहते हैं क्लोजली अच्छा मतलब जब टीवी पर लगा होता है एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग ऑन दैट ड्रामा इज द ब्लैक फेस मगर आपने देखा हो वो जो अहमद अली अकबर है ही इज प्लेंग अच्छा एक मैं चीज पूछना चाह रही थी कि इज देर क्लैरिफिकेशन ऑन इफ ही इज द ब्लैक रेस और इफ ही जस्ट डार्क स्किन

तो उसमें नाउ द द थिंग इज कि अभी इट्स नॉट ट्रेंडिंग बट शुरू शुरू में डेड जब पीपल वर वाइक वाई इज़ अ नॉन ब्लैक पर्सन डूइंग अ रोल ऑफ अ डार्क स्किन लाइक उसकी आपने क्यों स्किन को ज़्यादा डार्क करके किया है एंड द पीपल स्टार्ट लिंकिंग इट टू ब्लैक फेस एंड के मतलब सो सो बेसिकली ब्लैक फेसिंग का ये है कि ब्लैक फेसिंग यूज़ टू हैपन हिस्टोरिकली नाइनटीन और ट्वेंटी एथ सेंचुरी में और ये होते थे अमेरिका में वेस्ट में देर यूज टू बी शोज मिन्स्टल शोज इनको कहते थे सो लाइक अ ग्रूप ऑफ बैंड एंटरटेनर्स एंड पीपल वुड कम इन दे वुड यू नो डू परफॉर्मेंसिज थिएटर एक्टिंग इन दिसर सो उस में ऑफ वाइट पीपल वुड पुट ब्लैक पॉलिश ऑन देर फेस black paint on their face to be black and then they would प्ले रोल्स जो बहुत ज्यादा रेसिस्ट होते, होते।, so होते थे वो mm. उनको स्लेव्स में ही दिखाते थे अब दो वाइट लोग हैं उनमें से एक अपने आप को काला करके स्लेव का रोल प्ले oh, कर रहे हैं इस तरह की चीजें होती थी एंड देन वो सारे उनके फीचर्स को वो चेंज सो लाइक ब्रॉडर लिप्स नोज सर्टन वे सारा कुछ देख दे चेंज देअ फीचर्स टू मेक दैम सिमिलर टू एंड दिस वॉज अ टाइम जब स्लीवरी बहुत प्रेविडेंट थी एंड खत्म हो रही थी एंटी स्टेवरी कुछ हो रहा था सब सो so, अपड वाले टाइम पे ऑल ऑफ दिस यूज टू हैपन फिर बहुत ज्यादा इसके खिलाफ मूवमेंट्स चली सब कुछ हुआ इट टुक मैनी मेनी मोर ईयर्स इवन आफ्टर इवन सी एंडेड के लोगों को ये एक आइडिया समझ आना शुरू हो कि एक वाइट बंदा ब्लैक अपने आप को कलर करके ब्लैक बंदे का रोल नहीं प्ले कर सकता बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डिफरेंस इन पावर डायनामिक जस्ट सिंपली पुट तो फिर टू द एक्सटेंट के आई डो आप लोगों को पता है नेटफ्लिक्स पर एक शो था ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक उसमें भी इट वॉज अ वेरी फेमस शो एंड इज वेरी डिसेंट उसमें भी वन ऑफ द एक्टर एक्ट्रेसिज वॉज लाइक ऑरेंज टेंटेड सी उसकी स्किन थी इज वेरी वाइट बट उसने लाइक अपनी टूअर्ड्स लाइक डार्क स्किन वो की भी mm. थी तो उस पर भी दे गॉट हिट इस तरह उस so, का भी बड़ा जो करेंग, 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 उनकी एक बचपन की कोई फोटो आ गई थी doing a blackface hmm. in some somewhere he did in his college or in high school hmm. and it got a lot of less oh. kaafi controversy thi because he had to publicly apologize or something like that i was in the to matlab ye uski wo sara kuch hai to ab ahmed ali akbar ke parizad mein people are saying ke ye wahi cheez ho rahi hai ab usme opposite view ye hai ke he is very talented he is good at what he is doing he is not doing a negative role and he is not playing the role of a black race he just you know aur usme bhi well they have shown him as a poor person though yeah that that's one thing

is looked down in the society because because of his color and इज हाँ डाउन हाँ, ये दोसाइटी बिकॉज ऑफ हज गुरबत एंड कहानी नहीं है अच्छा। क्योंकि वो तो वो, हाँ, वो होता था इसकी उसकी वही है और उसमें भी ये है कि when he was um in his mother's होम तो he the mother was डेंट हैव फू टू ई ईट एंड इस तरह सो वेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज वेरी वीक ही वॉज अ नॉट गुड लुकिंग चाइल्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो उसमें दिस शो सोशो इकोनॉमिकली क्लास उन्होंने दिखाई है जिसमें यह बच्चा पैदा होता है परीजाद एंड परिजाद मीन्स द सन ऑफ आफ परी और फिर लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि यूर एनी थिंग बट दैट और वो सारा कुछ सो इट्स एंड दैन इवन उसके जो रोमांटिक अफेयर्स में या लव लाइफ में जो सारा कुछ दिखाते हैं इवन दैट इज़ लिंक टू हाउ ही लुक्स

एज मेरे ख्याल में तो ये था कि जब ये कॉन्वर्सेशन होना शुरू हुई तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में जिस तरह हायरिंग हुई है जिस तरह प्रिवेज लोग है जिस तरह एक सर्टन किस्म के लोग आ सके वो उसमें ही इज अ वेरी टैलेंटेड एंड गुड एक्टर तो दैक्ट के मेरे लिए द फैक्ट के उन उस लाइक परिजात जैसे कैरेक्टर की स्टोरी टीवी पे दिखाई जा रही है यही एक अच्छी बात हाँ, है एंड ओवर द

फ्यूर की वो <ylespeens> सब तरह के लोगों को दिखा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव बात के साथ साथ जो इंडिया वाली बात थी स्टार्टिंग में हमने जो की थी प्लीज नहीं कि आप मतलब हम लोग हम लोगों के शायद डिसमेंट्स होंगे ठीक है लेकिन इतना ज्यादा हेट ना दें

wrap up <laughs> thank you so much for watching uh, this was the brief and allah afis allah afis amuluda allah afis karunga main to yahi hu nahi allah afis allah afis take <laughs> care allah afis